हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के, बेसिकली ये नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर है हमारा पॉलीनोमियल्स, तो चलो पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स को पढ़ने इस चैप्टर में आगे जाने से पहले हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल, ये दो टर्म्स हैं, पॉलिनोमियल। तो पॉली, यहां पर इस पॉली का मतलब है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारी, काफी सारी, लेकिन नोमियल का मीन्स है यहां पर टर्म्स। मीन्स पॉलिनोमियल्स का टुगेदर मीनिंग क्या हुआ, काफी सारी टर्म्स। अब टर्म्स क्या होता है, अगर हमें टर्म ही नहीं पता होगा तो हमें पॉलिनोमियल का मीनिंग कैसे पता चलेगा। तो टर्म जो होता है बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने ना एलजेब्रिक, ये जो पॉलिनोमियल है ये जो है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक टाइप है। मीन्स एक पर्टिकुलर, हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। अब जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पहले भी पढ़ा उसमें क्या होता है, टर्म्स में क्या होता है, हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होती है, वेरिएबल्स होती है, इसी तरह से टर्म्स जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें हमारे कॉन्स्टेंट्स होती है, हमारे वेरिएबल्स होती है, हमारे कोएफिशिएंट्स होती है। अब ये सारी न्यू टर्म लग रही होंगी कि ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या है। तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट टर्म्स जो होती है वो हमेशा सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी टर्म देखते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया 2x + 5, तो ये जो नंबरिंग टर्म है इन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। बट अब जो है ये वेरिएबल क्या होता है, अभी यहाँ पे ना ये टू क्या है, ये कॉन्स्टेंट है या कोएफिशिएंट है, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्स्टेंट तो मतलब न्यूमेरिकल टर्म होगी जो सेम रहती है, जो चेंज नहीं होती, जैसे कि 1, 2, 3। अगर मैंने कहीं 1 लिखा है तो 1 ही रहेगा, उसका मीनिंग 2 नहीं होगा, तो ये कॉन्स्टेंट होगी। वेरिएबल्स होती है हमारे अल्फाबेट्स और लेटर्स जो आप यूज करते हैं, जैसे कि x, y, z, ये सब क्या होती है हमारे वेरिएबल्स, ये जो है चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे हम इनकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर वन को मैं एक्स को अगर मैं 1 मानू तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 मानू तो 2 हो जाएगी। तो ये होते हैं हमारे वैल्यू वेरिएबल्स। उसके बाद बात करते हैं कोफिशियंट्स। कोफिशियंट्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल के साथ वाली टर्म होती है, मींस उनके मल्टीप्लीकेशन में होती है, जो उनके बिल्कुल साथ डिवीजन में होती है। मींस फॉर एग्जांपल वेरिएबल, अब ये हमारे पास एक टर्म है दैट इज एक्स है, ये क्या हमारा एक्स तो वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल के साथ में जो टर्म है दैट इज टू, मींस जो इसका साथ दे रही है, इसका आप बोलो इसका फ्रेंड है या इसके बिल्कुल साथ रहता है, तो ये जो टर्म है इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट, जो वेरिएबल के साथ रहती है। तो ये तीनों टर्म क्लियर हुई। तो उसके बाद इन तीनों टर्म से क्लियर हो गया कि ये जो सारी तीनों चीजें हैं ये मिलके क्या बनाती है, एक टर्म। तो जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसमें काफी सारी टर्म होती है, एक सिंगल टर्म ही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 लिख दिया, तो ये एक टर्म तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में होती है काफी सारी टर्म्स। अगर मैंने लिख दिया 3x + 5, तो क्या ये टर्म होगी कोई, यस ये पॉलिनोमियल होगा, यस। क्यों, क्योंकि इसमें मोर टर्म्स है, मींस मोर टर्म्स का मतलब है वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ गया। तो अब हम देखते हैं जो पॉलिनोमियल है उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि हम पॉलिनोमियल को किस तरह लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ax² + bx + c, ये जो है पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड क्यों बोला गया है इसको, बेसिकली देखो इसमें क्या है, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें क्या हमसे क्या बोला था, क्या होनी चाहिए, काफी सारी टर्म्स, तो इसमें काफी सारी टर्म्स तो हमें दिख ही रही है। तो जब हम काफी सारी टर्म्स की बात करते हैं तो हम पॉलिनोमियल को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देते हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कि टर्म्स जो है वो कैसे डिवाइड होते हैं, मीन्स हम कैसे बोलेंगे कि मैंने लिख दिया 3x, 4x, 5y + 9, तो ये भी तो पॉलिनोमियल है, बट जो टर्म है वो कैसे पता चलता है कि इसमें 4 है 5 है। तो टर्म्स जो है वो स्प्लिट होती है, टर्म्स को हम स्प्लिट करते हैं सिर्फ दो, हम अपने दो साइन यूज करते हैं, या तो हम उसमें एडिशन का साइन यूज करके या फिर हम उसमें सब्ट्रैक्शन का साइन यूज करके। मान लो मैंने लिखा 4x * 5, क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है,
नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई की साइन है, तो मीन्स अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा 20x। तो 20x एक सिंगल टर्म हो जाएगी, और पॉलिनोमियल में हमने बात की थी मैनी टर्म्स की। तो मैनी टर्म्स कैसे होगी, अगर मैंने लिखा जैसे 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 4x क्यूब, ये सब क्या आ जाएंगे इसमें पॉलिनोमियल में, क्योंकि इसमें काफी सारी टर्म्स है और स्प्लिट किससे हो रही है, या तो एडिशन या फिर अगर मैंने यहाँ पे माइनस भी लिया होता तो माइनस के साइन से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन से वो टर्म स्प्लिट होती है, अलग अलग टर्म पता चलती है। तो अब आपके माइंड में ना थोड़ा डाउट आ रहा होगा कि भाई हमने ना कभी मोनोमियल पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल बाइनोमियल ये सब पढ़ा है, तो वो क्या है, तो जो पॉलिनोमियल है वो ही उसके ही टाइप्स ये है। तो हम पॉलिनोमियल को टू बेसिस पे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है हम उसको टू बेसिस पे डिवाइड करते हैं। कैसे, एक तो हम करते हैं उसको डिग्री के बेसिस पे, और एक करते हैं हम नेक्स्ट वन इज टर्म के बेसिस पे। तो टर्म के बेसिस पे जो हमारे पॉलिनोमियल है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड किए हमने। कैसे, एक हुआ मोनोमियल, यही आपने पढ़ा होगा पहले भी, मोनोमियल। मोनोमियल मोनो से ही पता चल रहा है, मोनो मतलब सिंगल, वन, जिसमें वन टर्म हो तो वो क्या होता है मोनोमियल। सेकेंड होता है बायोनोमियल, बायनोमियल, बायनोमियल में दिख रहा है बाय मतलब टू, जिसमें टू टर्म्स हो। एक होता है हमारा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें हो ट्राइ मींस थ्री टर्म्स। तो टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल के अलग अलग नाम दे दिए। जब एक पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होती है तो वो मोनोमियल कहलाता है, जब उसमें दो होती है तो वो बायनोमियल कहलाता है, और जब उसमें तीन होती है तो ट्राइनोमियल। अब टर्म्स मैंने बता दिया स्प्लिट कैसे होती है, प्लस या माइनस। फॉर एग्जाम्पल मोनोमियल में आप क्या लिख सकते हो, 4x 3x स्क्वायर 4y, तो ये सारी क्या हो जाएगी मोनो सिंगल, इसमें कोई और साइन तो है ही नहीं प्लस माइनस का, मींस कोई दूसरी टर्म तो अलग हो ही नहीं रही, सिंगल सिंगल टर्म है, तो ये हो जाएगा मोनोमियल का एग्जांपल। अब हम बात करते हैं बायनोमियल, बायनोमियल में क्या होता है, इसमें होता है जैसे मैंने 3x प्लस 4y, ये मैंने एक टर्म ले ली, मैंने ये दूसरी टर्म ले ली, तो ये क्या हो गई दो टर्म्स हो गई हमारे पास, तो इसीलिए इसको हम बोल दिया बायनोमियल। या मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 7, तो आप देख रहे हो ना 7 प्लस से साइन, एक ये अलग टर्म हो गई ये अलग। अब यहाँ पे प्लस की जगह अगर माइनस होता तो भी ये क्या होती बायनोमियल टर्म, क्योंकि दो है इसमें। थर्ड बात करते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में हमारी तीन होती है, इसका एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हो, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, तो ये सब क्या हो गई ट्राइनोमियल, जिसमें तीन टर्म होती है, तो इनको हम इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री के बेसिस पे, इनके कुछ नाम होते हैं, आपने पढ़ा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये क्या होते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे पहले लीनियर। लीनियर नाम से ही हम थोड़ा क्लियर कर सकते हैं, लाइन में सिंगल, वन, जिसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है यहाँ पर मीन्स जो इसकी पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, किसी भी टर्म की, जैसे 5x, तो डिग्री क्या होगी यहाँ पे 1, जब डिग्री क्या होगी 1 तो वो हो जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। फिर हम बात करते हैं जब हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि 6x स्क्वायर कहीं पे 2 भी होती है, 2 डिग्री जब होती है, हमारी डिग्री जो होती है डिग्री इसमें कितनी होती है हमारी 2, तो वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कि क्यूबिक, क्यूबिक कौन सा होता है, जब हमारी डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल। अच्छा यहाँ पर जो डिग्री की हम बात कर रहे हैं वो सारी डिग्री की बात नहीं कर रहे, एक पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है, मींस अगर मैंने एक बड़ा सा पॉलिनोमियल लिख लिया इसमें काफी सारी डिग्री दिख रही है, आप बोल दोगे लीनियर भी है ये, ये क्वाड्रेटिक भी है और ये क्यूबिक भी है, क्यूबिक में हमने बात कर ली 3। तो जब हाईएस्ट डिग्री पूरे पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट वाली जो भी होती है, मींस अगर 1 है तो वो लीनियर कहलाएगा, अगर 2 है तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक, और अगर 3 है तो वो कहलाएगा क्यूबिक। एक होती है हमारी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट डिग्री, इसमें क्या होता है कॉन्स्टेंट, हम इसको जीरो पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं, जीरो पॉलिनोमियल।
तो जीरो पॉलिनोमियल जो होता है इसमें जो होती है डिग्री जो होती है वो जो आंसर आता है मीन्स डिग्री जीरो होती है, जैसे एक्स की डिग्री जीरो की होती है वन, तो कांस्टेंट क्या आंसर एक ही आएगा इसका, अगर जिसकी भी डिग्री जीरो होगी जिस भी वेरिएबल में हमारे को डिग्री जीरो होगी वो क्या हो जाएगा आंसर वन, तो इसीलिए हम इसको कांस्टेंट या फिर जीरो पॉलिनोमियल भी कह देते हैं। तो ये थे हमारे डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल। तो अब हम बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी हमने जान ही ली थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर ये तो पता चल गया था क्या है, बट यहाँ पे ए बी और सी, ए बी और सी क्या है, यहाँ पे ए बी सी है रियल नंबर्स, और जो हमारी जो इसमें जो डिग्री होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, जो मीन्स डिग्री होगी मीन्स यहाँ पे टू है ना, तो जो डिग्री होगी वो नॉन नेगेटिव होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर, अगर नेगेटिव डिग्री नहीं होगी, नेगेटिव हमारी डिग्री हमेशा इसमें क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी, तो इसी से जो है ये, और जो ये एक्स है हमारा, एक्स यहाँ पे क्या है वेरिएबल, मीन्स वेरिएबल तो हमारा कोई भी हो सकता है, बट तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो हमारे ए बी सी है वो रियल नंबर्स होंगे और जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। तो अब जो है जब हमें क्वेश्चंस आएंगे, हमें कोई भी फॉर्म देगी, तो पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, क्योंकि देखो ये टू वन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट है, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। अब जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमें जो है क्वेश्चंस में जीरोस एक टर्म मिलेगी कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और उसको हम कैसे फाइंड करते हैं पहले वो देख लेते हैं। जब हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम वेरिएबल की क्या वैल्यू रखें कि आंसर जो है जीरो आ जाए, पॉलिनोमियल क्या आ जाए जीरो। अभी हमने बात की थी हमारा वेरिएबल है एक्स, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ एक्स माइनस थ्री, ये मैंने पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। तो अब इस पॉलिनोमियल में मैंने मान लिया कि जो ये पॉलिनोमियल है पी एक्स मीन्स एक्स, अब जब मैं बात कर रही हूँ जीरो की तो क्या बोलूंगी कि एक्स की जगह क्या रखूं, मीन्स क्या जीरो क्या पुट करूं कि जो ये पूरा आंसर है ये पूरा पी एक्स है, जो ये पी एक्स है वो जीरो आ जाए, तो मैं क्या पुट करूं एक्स की जगह। तो यहाँ पर आप थोड़ा माइंड लगाएंगे कि अगर मैं एक्स की जगह यहाँ पे थ्री रख देती हूँ, इन्हें एक्स की जगह यहाँ थ्री रख देती हूँ तो थ्री में से थ्री गया तो जीरो आ जाएगा, तो ये क्या हो गया यस, तो मीन्स एक्स इज इक्वल टू थ्री इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या आ गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। लेकिन अब बार बार तो आप गैस भी नहीं कर पाओगे कि हाँ यहाँ पे क्या पुट करूं, तो हम क्या करते हैं हम इस पूरी टर्म को ही x माइनस थ्री को जीरो के बराबर रख लेते हैं, इससे हमें x की वैल्यू पता चल जाती है ऑटोमेटिकली, मीन x इज इक्वल टू थ्री, तो x अगर मैं थ्री रखती हूँ तो आंसर क्या आएगा जीरो। तो इस तरह हम फाइंड करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे ना उसमें हमें बोलेगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करो, साथ ही वर्ड यूज करता है रूट ऑफ पॉलिनोमियल, रूट फाइंड करो, या फिर बोल सकते हैं सॉल्यूशन। तो हम ये सारी टर्म्स को साथ में रखते हुए कि जो भी हमें मिल जाए हम फाइंड कर देंगे, ये हमारा मेथड था। और एक और बात क्या है कि जो हमारा जीरो है, जीरो जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ये हमारा जो हमने ग्राफ सीखे हुए हैं ये एक्स एक्सिस होता है ये वाई एक्सिस, तो जीरो हमारा हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो अब हमें जीरोस फाइंड करने आ गए, लेकिन क्या हम ग्राफ को देख के पता कर सकते हैं कि कितने जीरोस होंगे, सीधा ग्राफ को देखते हैं इजीली। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलग अलग, हमने पढ़े थे अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो हम लीनियर में बात करते हैं। लीनियर का जो ग्राफ बनता है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है, और वो एक्सिस एक्स एक्सिस को अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना रही हूँ, मान लो कैसे भी ग्राफ बना रही हूँ, ऐसे बना रही हूँ स्ट्रेट लाइन या फिर ऐसे बना रही हूँ, तो ये क्या करेगा जो हमारा पॉलिनोमियल होगा लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करेगा, कट एक्स एक्सिस कितनी बार करेगा ये वन टाइम कट करेगा, और यहीं से हमें पता चल जाता है कि जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल में लीनियर की इसकी पावर भी वन होती है, और इसमें ये कट भी कितनी बार करता है वन बार, और वन बार कट किया है तो मीन्स इसका जीरो भी कितने होंगे, मैक्सिमम जीरो कितने होंगे इसके वन, या तो जीरो एक भी नहीं होगा इसका जीरो या फिर होगा वन, तो मीन्स मैक्सिमम जो इसके जीरोज होंगे वो इसके क्वेश्चन के आंसर कितने होंगे वन आंसर निकलेगा, वन सॉल्यूशन निकलेगा, मीन्स वन जीरो ही निकलेगा, मतलब अगर आप सॉल्व करोगे तो वन ही जीरो निकलेगा। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक, इसकी हमने डिग्री पढ़ी थी टू, तो जब हम इसका अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो वो थोड़ा पैराबोला शेप में बनता है कुछ इस तरह से या फिर इस तरह से, ठीक है, थोड़ा पैराबोला शेप में, तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है वन टाइम और टू टाइम, तो ये कितनी बार कट कर रहा है कट एक्स एक्सिस
दो बार ये कट कर रहा है। अगर इसने दो बार कट किया है मींस इसके जीरोस की, हमने पढ़ा था ना जीरोस कौन से एक्सिस पे लाए करते हैं, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही इसके जीरोस होंगे, तो इसके जीरोस जो होंगे वो मैक्सिमम कितने होंगे, दो। मींस दो ही मैक्सिमम निकलेंगे, मींस एक्स की वैल्यू दो निकलेंगी, एक एक्स की वैल्यू कुछ नहीं कर लेगी और एक्स की वैल्यू कुछ, तो मींस दो जीरोस निकलेंगे मैक्सिमम, कम वन भी हो सकता है जीरो भी और नहीं भी निकल सकता, लेकिन मैक्सिमम कितने आएंगे, टू जीरोस। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करेंगे तो उसकी पावर थ्री होती है और ये जो है कुछ इस तरह से बनता है लाइक, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता हुआ जा रहा है, वन टू थ्री, ये तीन बार कट कर रहा है और यहीं से भी देखो हमें पता करते जा रहे थे, तो यहीं से पता चल जाएगा कट कितनी बार किया इसने एक्स एक्सिस को, तीन बार। तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने निकल सकते हैं, मैक्सिमम जीरोस जो होंगे इसके थ्री निकलेंगे, कम भी हो सकते हैं, एक भी निकल सकता है, जीरो भी दो भी, पर मैक्सिमम तीन जीरोस, तीन एक्स की वैल्यूज यहां पर आ सकती है, तो इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हो। आई होप आपको जो है पॉलिनोमियल चैप्टर समझ आया होगा, पॉलिनोमियल क्या होता है पता चल गया होगा, साथ ही टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पता चल गए होंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने भी आपको आ गए होंगे कि हम जो है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे जीरोस निकालते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।